Hello my dear students, I am Yadav. Once again I welcome to all of you in our online classes. Today we discuss Sums number 16 to ahead. Okay, so now we move to the sums number 16. Sums number 16 we write the, write the place value of the underline digits in each of the following numbers. बेटा जिस नंबर में ये अंडरलाइन की है आपको आई होप आपको दिख रहा होगा तो इन नंबर्स की मुझे प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो प्लेस वैल्यू होता है स्थानीय मान राइट स्थानीय मान होता है प्लेस वैल्यू देखते हैं कैसे बेटा मैंने सम्स राइट डाउन की सिक्स नाइन फाइव अगर मैं इससे आप बात इससे पहले मैं अगर बात करूँ तो मैंने जैसे ना सम्स राइट डाउन की एट नाइन सिक्स अगर मैं इसको डिटरमाइन करना चाहूँ एक्सप्लेन करना चाहूँ तो तब मैं बोलूँगा ये वंस ये टेंस और ये हंड्रेड्स राइट वंस टेंस हंड्रेड बेटा इसमें से इसने नाइन्स की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है ओके okay? तो बेटा नाइन की प्लेस वैल्यू के लिए मैंने क्या किया नाइन राइट डाउन किया ओके मल्टीप्लाइकेशन सिंबल लगाया ये वन नाइन जो है ये नाइन कब जो प्लेस है वो टेंस, है तो इसमें टेंस से बेटा जिसमें मैंने टेन से मल्टीप्लाई किया और मालूम है हम लोगों को कि बेटा नाइन में टेन से मल्टीप्लाई करेंगे अगर कर जीरो से मल्टीप्लाई वन जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें नाइन्टी आ जाएगा ओके दैट्स योर आंसर सपोज करो मान लेता हूँ एज्यूम कर लेता हूँ कि इसने सिक्स कब बोला होता तो मैं बेटा लिखता सिक्स मल्टीप्लाई भाई ये बेटा वंस टेन और हंड्रेड्स पे तो इसमें मैं हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देता और दैट विल बी सिक्स हंड्रेड ओके आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा तो इन सम्स में अब मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी कोई भी सम्स होगी जो नहीं आएगी आई होप आपको सारी सम्स आ जाएंगी ओके okay? अब मैं बात करता हूँ सम्स नंबर सेवेंटीन की बेटा सम्स नंबर सेवनटीन के राइट ऑल पॉसिबल थ्री डिजिट्स नंबर यूजिंग ऑल द ऑल दी डिजिट्स एट थ्री नाइन बेटा ये जो एट थ्री नाइन से डिजिट दी गई हैं इन डिजिट्स को यूज़ करके जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं जितने भी पॉसिबल्स नंबर्स हो सकते हैं वो आपको फॉर्म करना है ओके बेटा बहुत केयरफुली समझिएगा बेटा डिजिट्स गिवन है एट थ्री एट थ्री एंड नाइन ओके बेटा इस पर सबसे इसका जो अप्रोप्रिएट मेथड होता है सबसे उपयुक्त तरीका क्या होता है बेटा आप इन नंबर्स को एक एक नंबर्स को स्टर्न देते हो जैसे बेटा मैं अगर स्टार्ट करता हूँ थ्री से तो बेटा मैंने पहले लिखा थ्री फिर लिखा एट और फिर लिखा नाइन मैं थ्री को टॉप में रखता हूँ फिर बेटा मैंने क्या किया कि इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया बेटा मैंने क्या किया थ्री एट की जगह नाइन लिख दिया और नाइन की जगह एट लिख दिया देखो दोनों नंबर डिफरेंट नंबर हैं ओके अब थ्री लिख चुका अब मैं थ्री के बाद लिख देता हूँ एट को टॉप पे रखता हूँ ओके तो बेटा एट को रखा एट के बाद कुछ भी लिख दीजिए थ्री नाइन अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए बेटा अगर इंटरचेंज करेंगे तो, करें, करें, तो आपका हो जाएगा एट नाइन थ्री बेटा देखो पहले टॉप में थ्री रख लिया फिर टॉप में एट रख लिया अब टॉप में किसकी बारी आता है बारी आती है नाइन की तो बेटा मैंने लिखा नाइन थ्री एट एंड नाइन एट थ्री राइट फिर से एक बार देखते हैं बेटा ये थ्री डिजिट्स दी गई हैं तो मैंने क्या किया इन डिजिट्स को बारी बारी से टर्न बाय टर्न इनको यूज़ करते हैं तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या किया सबसे पहले थ्री को रखा तो थ्री फिर इन दोनों नंबर्स को या डिजिट्स को एट नाइन फिर बेटा थ्री को टॉप पे रखा और नाइन एट कर दिया इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया राइट अब बात करता हूँ इधर बेटा अब मैंने थ्री के बाद एट को रख दिया तो एट को टॉप पे रखा फिर थ्री लिखा नाइन लिखा इसके बाद नाइन थ्री इंटरचेंज कर दिया फिर नाइन को टॉप पे रखा थ्री एट एंड एट थ्री राइट आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद सम्स नंबर एट्टीन की बात करते हैं तो बेटा एट्टीन आपको बताना पड़ेगा एट्टीन में क्या है बेटा उसने नंबर आपके गेविन है सेवन टू ज़ीरो शायद आपको याद हो आपकी मैम ने बताया होगा क्लास सेकंड में कि बेटा अगर ज़ीरो को टॉप पे रख दिया जाता है तो बेटा ये आपकी टू डिजिट्स की नंबर होगी बट उसमें कंडीशन अप्लाई होने की थ्री डिजिट्स की नंबर होनी चाहिए अगर आपने जीरो को टॉप पे रख दिया तो अब ये जीरो काउंट नहीं होगा अब ये आपकी टू डिजिट्स की नंबर होगी अगर हम टू डिजिट्स की नंबर होगी तो ये सम्स में हमको फॉलो करना है जो कह रहा है वो रॉन्ग हो जाएगा ओके इस वजह से इस जीरो को हम टॉप पे नहीं रखेंगे ओके तो बेटा जीरो को टॉप में नहीं रखेंगे वहाँ के टू को रख सकते हैं सेवन को रख सकते तो मैंने टू को, तो को रखा तो बेटा टू को रखा टू के बाद कुछ भी रख दीजिए मैंने सेवन रखा एंड ज़ीरो फिर से टू ज़ीरो सेवन इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया ओके बेटा टू के बाद पुटअप कर देता हूँ मैं सेवन तो सेवन ज़ीरो टू सॉरी ये कॉमा नहीं बेटा कॉमा सेवन टू ज़ीरो सेवन टू ज़ीरो टू ज़ीरो सेवन सेवन ज़ीरो टू सेवन टू ज़ीरो अब बस ये फोर नंबर्स हो गए क्योंकि इससे सिर्फ फोर नंबर्स ही पॉसिबल हैं बेटा अगर आप ट्राई करेंगे ज़ीरो को ऊपर रखने को तो बेटा वैसे ये आएगा नहीं बट मैं आपको ऐसे समझाने के लिए बोल देता हूँ बट मैंने कल ऐसा रख दिया जीरो सेवन टू एंड ज़ीरो टू सेवन तो बेटा अगर आप देखें तो ये आपका सेवेंटी टू लिखा हुआ है और ये ट्वेंटी सेवन लिखा है बेटा अगर मैं सेवेंटी टू एंड ट्वेंटी सेवन राइट डाउन करूँ तो बेटा देखो ये टू डिजिट्स की नंबर है बट आप देखिए ध्यान से कि जो आपका सम्स है सम्स में उसने स्पेशली बोला है थ्री डिजिट्स नंबर राइट इट्स मीन अगर मैंने ये किया दैट विल बी रॉन्ग ओके चलिए तो आई होप आपको ये भी सम समझ में आई होगी अब मैं मूव करता हूँ सम्स नंबर एट्टीन सॉरी नाइनटीन पे ओके नाइनटीन इजली बिल्कुल एड दी फॉलोइंग्स अब आई होप नाइनटीन टू बेटा इसका लास्ट सम्स क्या है थर्टी एट नाइनटीन टू थर्टी एट आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बट फिर भी मैं आपको टू सम्स एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले मैं सम्स नंबर ट्वेंटी एट राइट डाउन करता हूँ ट्वेंटी नाइन में है बेटा फाइव वन सिक्स सेवन राइट मैंने राइट डाउन कर दिया सेवन एट फाइव एंड वन सिक्स सेवन ओके बेटा इनको ऐड करना है राइट अच्छा ऐड करना तो हो सकता है इसमें से कुछ बच्चे होंगे अपने क्लास में जिनको ऐड करना नहीं आता होगा बट आई होप मोस्टली नाइन्टी परसेंट बच्चों को आ, ऐड करना आता होगा और जिनको नहीं आता होगा उनको मैं ऐड करना सिखा दूंगा चलिए तो टच ये लिखा है फाइव सेवन तो टच मुझे फाइव में से कितना ऐड करना है सेवन तो मैंने क्या किया बेटा फाइव लाइन ड्रॉ कर दी वन टू थ्री फोर फाइव ओके अब सेवन ड्रॉ कर दी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व बेटा ट्वेल्व आय हो ऐसे ही लिखा जाता है तो बेटा जब भी नंबर्स इसमें राइट डाउन करेंगे तो मैं वंस की जो डिजिट्स होती है उसको राइट डाउन करते हैं और जो टेंस की होती है उसको कैरी करते हैं तो मैंने बेटा टू राइट डाउन कर दिया और टू वन कर दिया कैरी राइट अब वन तो ये कैरी का हो गया एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड वन मोर सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लेट्स काउंट ऑल लाइंस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन मीन्स बेटा ऐसे ही फिफ्टीन राइट डाउन किया जाएगा तो बेटा फिफ्टीन राइट कर दिया कैरी पे हो गया आपका right? वन राइट बेटा वन राइन और वा कर फिर करते हैं सेवन तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन मोर वन वन लेस काउंट ऑल ऑनलाइंस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ओके बेटा कितना हो जाएगा नाइन दैट्स योर आंसर राइट अगर ये समझ में आ गया तो आई होप अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें से कोई भी ऐसी सम्स होगी जो नहीं आएगी बिकॉज इनमें सिर्फ आपको ऐड करना बेटा जैसे ये नंबर से लिखिए इधर नंबर उसने गैप कर दिया तो आप कन्फ्यूज मत होगा इन सब को ऐड करिएगा और जो इन दोनों को ऐड करिएगा जो नंबर से है वही राइट डाउन कर देना ये जो गैप उसने बॉक्स छोड़ रख के इससे आप कन्फ्यूज नहीं होना आपको ओके राइट अब बात करता हूँ सम्स नंबर थर्टी नाइन टू फोर्टी सेवन बेटा अगर अरेंज इन कॉलम्स एंड एड राइट इनको हमको कॉलम में अरेंज करना है और ऐड करना है राइट right? तो मैं सम्स राइट डाउन करता हूँ सम्स नंबर फोर्टी थ्री ओके ओके बे, ओके बेटा मैंने देखो सम्स राइट डाउन कर दिया अब क्या करना है इन नंबर्स को ये कॉलम में अरेंज हो गई सॉरी ये आपका सम्स की पिन टू फाइव एट प्लस सिक्स फाइव प्लस वन एट फोर इनको कॉलम में अरेंज करना है बेटा कॉलम मीन्स होता है इनको बेटा खड़े खड़े करना है ओके okay? कॉलम मीन्स बेटा ये कॉलम रो देखिए बेटा ये जो ऐसी ऐसी लाइन्स होती हैं इनको हम कॉलम बोलते हैं और ये जो ऐसी हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं इनको हम रो बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होते हैं इनको हम कॉलम बोलते हैं ओके तो बेटा हमको वर्डिकली तो इसको लिख दिया टू फाइव एट बेटा याद रखिएगा नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं तो पहले फाइव आफ्टर दैट सिक्स फिर इस नेक्स्ट नंबर में फोर देन ऐट एंड आफ्टर दैट देन वन ओके अब ऐड करना बेटा फिर वही लास्ट का जैसे मेथर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एट लाइन्स ड्रॉ करनी है तो एट लाइन्स ड्रॉ कर दी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाउ फाइव वन टू थ्री फोर फाइव एंड फोर वन टू थ्री फोर लेट्स काउंट ऑल लाइन्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवेन ट्वेल्थ थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन दैट्स मीन सेवेंटीन बेटा सेवेंटीन का कितना राइट डाउन करूँगा सेवन वेरी गुड और एट कैरी पे कितना हो जाएगा वन वेरी गुड अब बेटा वन राइट लाइन ड्रॉ कर दी वन के बाद किसका कट टर्न आएगा फाइव का? का तो बेटा वन वन टू थ्री फोर फाइव इसके बाद कितना आएगा यस एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आई होप आप लोग पढ़ रहे हैं से काउंट करते हैं ऑल लाइंस को तो वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन बेटा फोर्टीन ऐसे राइट डाउन किया जाएगा बेटा फोर्टीन को मैंने कितना राइट डाउन कर दिया फोर और कैरे पर कितना आ गया वन वन और टू थ्री ये तो ऑर्ली कर सकता हूँ वन वन टू थ्री थ्री वन फोर देट विल बी योर आंसर एंड देट इज यंसर ओके आई होप आपको ये से समझ में आ गई होगी अब आपको सारी से इनको जो देखो थर्टी नाइन टू फोर्टी सेवन सब को आपको कॉलम में अरेंज करना है और कॉलम में अरेंज करके आपको ऐड करना है तो आज का थोड़ा आपका वर्क लेंथी हो गया थोड़ा ज्यादा हो गई डोंट वरी आपके पास टाइम है स्लोली आराम से करेगा ओके तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आगे ही आपकी ऐसी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी और मैं आशा करता हूँ आई विश कि आप लोग घर में पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से ऐसे आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिएगा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा ओके गॉड ब्लेस यू बाय थैंक यू